अब नी रिप्लेसमेंट अगर हमने दोस्तों किया तो इसकी लाइफ डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स, जैसे कि क्या हो सकते हैं, पेशेंट का वेट। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो आपका नी जॉइंट की लाइफ कम हो सकती है एज कंपेयर टू वो आदमी या औरत जिसने वेट कंट्रोल रखा। में अलाइनमेंट कितनी अच्छी तरीके से करेक्ट किया गया। हम जब सर्जरी करते हैं दोस्तों, जो पैरों का टेढ़ापन होता है, वारस होता है, फंगस होता है, उसके कट्स लेके बोन के उसको सीधा अलाइन करते हैं। तीसरा फैक्टर दोस्तों इसमें आता है इम्प्लांट की क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स। नी रिप्लेसमेंट मतलब कि दोस्तों, आपका जो घिसा हुआ कार्टिलेज है घुटने का, उसको बदल के हमने एक स्मूथ कार्टिलेज बना दिया, स्मूथ जॉइंट बना दिया, और इस तरीके का आपको इसमें इम्प्लांट हमने डाल दिया ऊपर और नीचे की हड्डी पे। दोस्तों, लाइफ ऑफ नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स में हम ऐसे बात स्टार्ट करते हैं कि आपका जो घुटना है, जनरली दोस्तों वो आफ्टर 45, जनरली देखा जाए तो 60-65-70 ईयर्स के एज के लोगों का जो घुटना होता है वो इतना खराब हो पाता है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करें। हम बहुत सारी जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज भी करते हैं, जिसमें अगर आपका घुटना थोड़ा ही खराब है तो उसका अलाइनमेंट करेक्ट करके हम HTO सर्जरी, जिसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसका करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डिले हो जाती है या आती ही नहीं है। अब नी रिप्लेसमेंट अगर हमने दोस्तों किया तो इसकी लाइफ डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स, जैसे कि क्या हो सकते हैं, पेशेंट का वेट। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो आपका नी जॉइंट की लाइफ कम हो सकती है एज कंपेयर टू वो आदमी या औरत जिसने वेट कंट्रोल रखा। दूसरा, आपका सर्जरी में अलाइनमेंट कितनी अच्छी तरीके से करेक्ट किया गया। हम जब सर्जरी करते हैं दोस्तों, जो पैरों का टेढ़ापन होता है, वारस होता है, फंगस होता है, उसके कट्स लेके बोन के उसको सीधा अलाइन करते हैं ग्रेविटी, धरती के आकर्षण के अकॉर्डिंग, जिससे कि दोनों साइड घुटने के बैलेंस रहता है, अंदर और बाहर की साइड। इससे घुटने के इम्प्लांट का वियर एंड टियर बहुत कम होता है। तीसरा फैक्टर दोस्तों इसमें आता है इम्प्लांट की क्वालिटी। अगर दोस्तों हम लोकल क्वालिटी यूज कर रहे हैं, जिसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, अगर हमारी जो इम्प्लांट है वो इम्पोर्टेड है, वो बहुत अच्छे कंडीशंस में बनाया गया है, स्टराइल टेक्निक से बनाया गया है, तो इसमें काफी फर्क पड़ सकता है इम्प्लांट का जो वियर एंड टियर, जो घिसाव होता है इम्प्लांट का, वो उसकी कोटिंग पे, उसके मटेरियल पे, टाइटेनियम पे, क्रोमियम पे काफी कुछ निर्भर करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें आपकी सर्जरी की टेक्निक। जितनी अच्छी आपकी सर्जरी की टेक्निक होगी, सीमेंटिंग की टेक्निक होगी, उतना ज्यादा आपका इम्प्लांट हड्डी से चिपका रहेगा और इसमें लाइसिस या लूजनिंग के चांसेस मिनिमम आएंगे। दोस्तों आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपने फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी करी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका नी और आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। दोस्तों ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट कितना लास्ट कर सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये 15-20 ईयर्स या उससे ज्यादा भी लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई तकलीफ है तो आप आपके एक्सरेज हमें सेंड कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।